A very warm hello to all of you. Well, I am Dr. Meenu Singhal and I teach economics at Chaudhary Ishwar Singh Kanya Mahavidyalaya, Pune. So I'm back here with you to continue our topic of quantity theory of money. In our last lecture, we have covered Fisher's equation. You remember I said there are two versions of quantity theory of money. One is known as transaction approach and the other one is known as cash balance approach. Cash balance approach ko hum ek aur naam se jante hain, Cambridge equation. Kisi ek arthshastri ke naam par nahi hai. Iska naam Cambridge equation isliye pada kyunki Cambridge University ke bahut sare arthshastriyon ne इस थ्योरी के प्रतिपादन में अपना योगदान दिया है. अल्फ्रेड मार्शल, पीगू, डेनिस रॉबर्टसन, हॉटरे एंड केन्स. अमेज्ड. आप जानते हैं केन्स ने 1936 में जो अपनी किताब छापी द जनरल थ्योरी, उससे पहले वो खुद क्लासिकल अर्थशास्त्री थे. वो खुद क्लासिकल अर्थशास्त्र पढ़ाते थे. ही वॉज अ स्टूडेंट एंड अ टीचर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स एंड ही वॉज वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू कैम्ब्रिज इक्वेशन. देखिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी मानकर चलती है कि जिस तरीके से वस्तुओं और सेवाओं की का मूल्य उनकी मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है, ठीक उसी तरीके से मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करता है. एज इज द केस विद गुड्स एंड सर्विसेज, सो इज विद मनी. द वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड फॉर मनी. So in order to understand quantity theory of money, we need to understand the concept of supply of money and demand for money. आप कहेंगे ये तो हमने फिशर इक्वेशन में किया था. राइट, वी डिड इट. लेकिन फिशर इक्वेशन ने सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड फॉर मनी को बिल्कुल अलग तरीके से समझाया, परिभाषित किया, और कैश बैलेंस इक्वेशन ने अलग तरीके से. Both Fisher and Cambridge equations have defined demand for money and supply of money differently. Cambridge equation के अनुसार मुद्रा की पूर्ति का मतलब है जितने नोट छपे हैं, सिक्के छपे हैं, प्लस जो बैंकों में मांग जमा है. हाँ, अभी तक वही है जो फिशर में था. लेकिन फिशर में वेलोसिटी ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को लिया गया था जो कैम्ब्रिज इक्वेशन ने नहीं लिया. कैम्ब्रिज इक्वेशन ने चलन गति का जिक्र नहीं किया, लेकिन इंटरेस्टिंगली कैम्ब्रिज इक्वेशन ने जिस तरीके से वेलोसिटी ऑफ मनी को समझा है, क्यों उसमें परिवर्तन आता है, ये जैसे कैम्ब्रिज इक्वेशन ने समझाया है फिशर इक्वेशन भी नहीं समझा पाई. तो ये तो रहा मनी सप्लाई. नाउ विल कम टू डिमांड फॉर मनी. एज पर कैम्ब्रिज इक्वेशन, डिमांड फॉर मनी मीन्स टोटल कैश बैलेंस. टोटल कैश बैलेंस दैट पीपल वांट टू होल्ड विद देमसेल्व्स. वो नकद जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं, नकद शेष जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं. और बस यहीं से इसका दूसरा नाम पड़ा, कैश बैलेंस इक्वेशन. देखिए इनका मानना था, अब यहां फिर से एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है फिशर और कैम्ब्रिज इक्वेशन में. फिशर इक्वेशन ने कहा मुद्रा का सिर्फ एक काम है, विनिमय का माध्यम होना. बट एज फार एज कैम्ब्रिज इक्वेशन वॉज कंसर्न, दे सेड दैट मनी has two functions.
One, it is a medium of exchange. And two, it acts as a store of value. कि मुद्रा ना सिर्फ विनिमय में मदद करती है बल्कि इसमें आप मूल्य का संचय करके भी रख सकते हैं। हाँ, मूल्य का संचय कोई करेगा क्यों? बहुत से कारण हैं, लेकिन कैम्ब्रिज इक्वेशन ने सिर्फ दो कारण लिए। पहला, क्रय विक्रय उद्देश्य, ट्रांजेक्शन पर्पस। दूसरा, सावधानी उद्देश्य, प्रिकॉशनरी मोटिव। सावधानी के लिए, अनिश्चितताओं से बचने के लिए हम अपने पास कुछ नकद रखते हैं। तो हम अपनी राष्ट्रीय आय, अगर एक व्यक्ति के लिहाज से देखें तो मैं अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा, हर व्यक्ति, हर संस्था अपनी आय का एक हिस्सा अपने पास संभाल कर रखते हैं नकद में, कि आने वाले टाइम में कुछ और खरीदना हो या जरूरत पड़ जाए तो खरीद सकें। एवरी इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन कीप्स अ पार्ट ऑफ देयर इनकम इन लिक्विड फॉर्म। एंड सो डज द एंटायर इकोनॉमी। इसका मतलब पूरी अर्थव्यवस्था में भी हम अपनी राष्ट्रीय आय, वार्षिक राष्ट्रीय आय का एक हिस्सा बचा कर रख लेते हैं। द एंटायर इकोनॉमी सेव्स, होल्ड्स अ पार्ट ऑफ इट्स रियल नेशनल, एनुअल रियल नेशनल इनकम इन लिक्विड फॉर्म। दिस इज डिमांड फॉर मनी। आय का वो हिस्सा जो हम अपने पास नकद में रखना चाहते हैं वो है मुद्रा की मांग, कैम्ब्रिज इक्वेशन के अनुसार। देखिए, इसको एक और तरीके से समझते हैं। अगर मेरे पास, मैं मुद्रा की मांग मान लेते हैं, शुरुआत में मेरी मुद्रा की मांग सिर्फ 10% है, राइट? इसका मतलब मैं 90% खर्च कर देती हूं, है ना? अच्छा, अगर मेरी मुद्रा की मांग बढ़ जाए, यानी वो रुपया जो मैं अपने पास नकद रखना चाहती हूँ वो 10% की बजाय अब 20% रखना चाहूं, तो अगर मेरी मुद्रा की मांग बढ़ जाए तो इसका मतलब मेरे पास वस्तुएं सेवाएं खरीदने के लिए कम रुपए बचेंगे, 80%, तो मेरी वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम हो जाएगी। और अगर वस्तुओं और सेवाओं की मांग मेरी कम हुई और देश में सभी लोगों की कम हो जाती है तो फिर नेचुरली कुल मांग कम हो जाएगी और वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी। मतलब ये कि मुद्रा की मांग बढ़ने से कीमतें कम हो जाती हैं। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर मनी एंड द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वाइस वर्सा एज वेल। अगर मुद्रा की मांग कम हो जाती है, मतलब अगर मैं 10% की बजाय सोचती हूँ कि छोड़ो क्या करना है, मुझे पेंशन भी मिलनी है, मुझे अभी कोई ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है खास, मैं सिर्फ 5% बचा कर रखूंगी, बाकी खर्च कर दूंगी, तो आई एम नाउ स्पेंडिंग 95% ऑफ मनी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। माई एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज हैज इंक्रीज्ड। व्हाट दिस मींस इज डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज इंक्रीज्ड एंड दिस विल लीड टू इंक्रीज इन prices. So we find that there is inverse relationship between demand for money and prices as per cash balance approach. But this fact was explained by different Cambridge economists through different equations. हर अर्थशास्त्री ने अपनी अपनी अलग अलग इक्वेशन ली इस सत्य को समझाने के लिए। मार्शल की जो इक्वेशन है, हम सबसे पहले मार्शल इक्वेशन लेते हैं। मार्शल की जो इक्वेशन है वो कहती है M इज इक्वल टू के वाई। देखिए, फिलहाल मैं सिर्फ इसका पहला हिस्सा बोल रही हूं। M इज इक्वल टू के वाई। एम क्या है? मुद्रा की पूर्ति, जैसे हम अभी तक लेते आए हैं। वाई है मौद्रिक आय, मॉनिटरी इनकम।
और के है इस मौद्रिक आय का वो हिस्सा जो हम नकद में रखना चाहते हैं। अब देखिए, ये जो वाई है ये है मौद्रिक आय। मौद्रिक आय क्या होती है? देश में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ उनका मौद्रिक मूल्य का जोड़ मौद्रिक आय है। मॉनिटरी इनकम इज द सम टोटल ऑफ मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो इसको मैं अलग तरीके से ऐसे लिख सकती हूँ, दैट वाई इज इक्वल टू पी इंटू ओ। पी है कीमतें, ओ है कुल उत्पादन। देश के अंदर जो कुल उत्पादन हुआ वो ओ और पी कीमतों का स्तर। तो इसी के वाई को मैं लिख सकती हूँ के पी ओ। देयरफॉर माई न्यू इक्वेशन इज एम इज इक्वल टू के पी ओ। इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट पी थ्रू दिस इक्वेशन, माई द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई के ओ। राइट, इसी चीज को हम अब एक न्यूमेरिकल से समझेंगे। न्यूमेरिकल्स मेक द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरर। देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि मुद्रा की पूर्ति है 200 करोड़ रुपए की, और देश में वो जो वास्तविक उत्पादन है, कुल उत्पादन, वो है 1,000 इकाइयों का। अब इस केस में हम दो दो वैल्यूज लेते हैं, दो केसेस लेते हैं। पहले केस में हम आय का पांचवा हिस्सा नकद रखना चाहते हैं। के मतलब आय का वो हिस्सा जो हम नकद रखना चाहते हैं। तो हम इसमें आय का पांचवा हिस्सा नकद रखना चाहते हैं, यानी 20% आय अपने पास रखना चाहते हैं तरल। और दूसरे केस में हम सिर्फ 10वां हिस्सा, यानी सिर्फ 10% आय अपने पास नकद रखना चाहते हैं। ऐसे में अब पहले केस में आप ज्यादा नकद रख रहे हैं, डिमांड फॉर मनी इज मोर, और दूसरे केस में डिमांड फॉर मनी इज लेस, 10%। तो पहले केस में फॉर्मूला वही जो पिछली स्लाइड में लिया था, पी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई के ओ। वैल्यूज रखी हैं एम की 200, के 1/5, यानी पांचवा हिस्सा मैं अपने पास रख रही हूं, और कुल उत्पादन। इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आया 1, मतलब कीमत है 1 रुपए। किसकी? एक इकाई की, जो देश में हम उत्पादन कर रहे हैं। तो हम देश में जो उत्पादन हो रहा है उसकी औसतन एक इकाई की कीमत है 1 रुपया। दूसरा केस, जब हम आय का सिर्फ 10% अपने पास रखे रहे हैं और 90% खर्च कर रहे हैं, हमारा खर्च बढ़ गया। और देखिए उसका असर क्या होता है, सेम फॉर्मूला लगाकर मेरे पास जो आंसर आया वो है 2। यानी कि अब मैं जब अपने पास कम रुपए रख रही हूं, मेरी मुद्रा की मांग कम हो गई है, तो कीमत बढ़ गई है। कीमत 1 रुपए से सीधा 2 रुपए हो गई है। तो मुद्रा की मांग के कम होने से कीमत बढ़ गई। देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड प्राइस लेवल, जो हमने शुरुआत में कहा था। ये तो रही मार्शल की इक्वेशन। इसी चीज को पीगू ने भी समझाया, उन्होंने अपनी अलग इक्वेशन दी। उनकी इक्वेशन है पी इज इक्वल टू के आर बाय एम। अब पी पी यहां पर कीमत नहीं है, पी है यहां पर मुद्रा का मूल्य, और आर यहां वास्तविक आय है, एम वही एज यूजुअल मनी सप्लाई, लेकिन के भी वही जो पिछली इक्वेशन में था, आय का वो हिस्सा जो हम नकद में रखना चाहते हैं। के इज दैट पार्ट ऑफ रियल इनकम दैट वी वॉन्ट टू होल्ड एज कैश, बट पी इज वैल्यू ऑफ मनी। ये इक्वेशन जो लिखी है मैंने पी के नजरिए से लिखी है, अगर मेरे को पी की वैल्यू निकालनी हो। लेकिन अगर मुझे एम की वैल्यू निकालनी हो तो यही इक्वेशन बदल कर हो जाएगी, एम इज इक्वल टू के आर डिवाइडेड बाय पी। देखिए, अब पीगू ने एक इंटरेस्टिंग चीज जोड़ी इसमें। पीगू ने कहा कि हम लोग आय का एक हिस्सा अपने पास रखना चाहते हैं, सालाना आय का। राइट, मान लेते हैं मेरे साल की तनख्वाह, एक साल की तनख्वाह 10 लाख रुपए है मेरी। मैं उसका 10% अपने पास रखना चाहती हूँ नकद,
मतलब मैं 1 लाख रुपए अपने पास नकद रखना चाहती हूं। देखिए, 1 लाख नकद रखने का मतलब मैं ये 1 लाख रुपए वस्तुएं सेवाएं खरीदने में खर्च नहीं कर पाऊंगी, राइट? तो मेरा सेक्रीफाइस है ये, मेरी कुर्बानी है ये कि मैं अपने कंजम्पशन को कम कर रही हूं ताकि मैं अपने पास नकद रख सकूं, पर फिर भी नकद रख रही हूं क्योंकि इससे मुझे सहूलियत होती है। हैविंग सम कैश विद मी इज अ कन्वीनियंस आई डोंट वॉन्ट टू फोगो। दिस कैश हेल्प्स मी टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एज पर माई रिक्वायरमेंट एनी टाइम ऑफ द ईयर, एंड देर मे बी सम इमरजेंसी, आई मे नीड कैश सडनली फॉर अनएक्सपेक्टेड रीजन्स, देन दिस लिक्विड कैश विल कम हैंडी। लेकिन अब सवाल है कि क्या हम पूरा 1 लाख रुपए अपने पास नकद रखेंगे? द आंसर इज नो। पीहू ने कहा कि एक हिस्सा हम अपने पास नकद रखेंगे और एक हिस्सा हम बैंक जमा के तौर पर बैंक में रख देंगे। देखिए, बैंक जमा पूरी तरह से तरल मानी जाती है। बैंक मनी इज कंसीडर्ड एज लिक्विड एज कैश इन आवर हैंड्स, सो वी विल कीप अ पार्ट ऑफ दिस लिक्विड मनी विद अस इन करेंसी एंड विल डिपॉजिट द रिमेनिंग अमाउंट इन बैंक्स एज डिमांड डिपॉजिट्स। तो इसी चीज को समझाने के लिए अब पीगू की इक्वेशन बदल गई। पीगू की नई इक्वेशन है ये, P इज इक्वल टू KR बाय M। ये तो वही है जो हमने पहले करा था। इन्होंने नया हिस्सा जोड़ दिया, ये C प्लस H इंटू 1 माइनस C। C क्या है? C है आय का वो जो हमने अपने पास नकद रखा, उसका वो हिस्सा जो हम अपने पास कैश में रखना चाहते हैं, और जो रिमेनिंग बच गया, कितना बचा, 1 माइनस C, वो हम कहाँ रखना चाहते हैं, बैंक में। तो 1 माइनस सी वो है जो हम बैंक में रखना चाहते हैं और सी वो है जो हम सिक्कों में और नोट में अपने पास रखना चाहते हैं। एच क्या है? ये एच, देखिए, ये वो पैसा है जो बैंक के पास है ना। 1 माइनस सी इज दैट मनी विच इज विद बैंक्स। अब बैंक क्या करेंगे? बैंक भी तो इस रुपए को खाली नहीं रखते ना, वो भी इस रुपए में कुछ अपने पास नकद रखेंगे और बाकी लोगों को उधार दे देंगे। बैंक्स ऑल्सो कीप विल कीप अ पार्ट ऑफ दिस डिमांड डिपॉजिट विद देमसेल्व्स इन लिक्विड फॉर्म एंड विल लेंड द रिमेनिंग अमाउंट टू इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स टू पीपल। तो बैंक जो अपने पास नकद रखते हैं उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। उसके लिए इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है एच। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए फिर से हम इसको बेहतर समझने के लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं बेस्ड ऑन पीगूज इक्वेशन। देखिए, यहां के का मूल्य है 1/10। के मतलब हमारी आय का वो हिस्सा जो हम अपने पास लिक्विड रखना चाहते हैं तरल रूप में। लेकिन इस तरल में भी सी यानी वो पैसा जो हम अपने पास नोट और सिक्के में रखना चाहते हैं वो है 1/2, मतलब आधा हम अपने पास रखेंगे और आधा बैंक में डाल देंगे मांग जमा के तौर पर। और एच, एच यानी कि वो पैसा जो कि बैंक अपने पास नकद रखेंगे और बाकी उधार दे देंगे। तो बैंक भी इसका पांचवा हिस्सा जो उनके पास जमा आई है उसका पांचवा हिस्सा अपने पास रखेंगे और बाकी वो उधार दे देंगे। तो ये है के, सी और एच, इनकी वैल्यूज हैं 1/10, 1/2 एंड 1/5। आर है आपके पास कुल उत्पादन। आसानी के लिए हम मान लेते हैं कि एक ही वस्तु का उत्पादन हो रहा है, सिर्फ समझने के लिए। तो कुल मिलाकर 2500 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो रहा है। क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजीज।
So, Indian economy is producing 2500 क्विंटल वीट और देश में रुपए हैं 300। ऐसे में हमको पी निकालना है। अब याद रहे, पी कीमत नहीं है, पी मुद्रा का मूल्य है। तो हमने कुछ नहीं किया, वो जो इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, पी इज इक्वल टू के आर बाय एम सी प्लस एच इंटू वन माइनस सी, इनमें सारी वैल्यूज रख दी। के आप जानते हैं 1/10 है, आर कुल उत्पादन गेहूं का, मुद्रा की पूर्ति, और ये सी 1/2, आधा हम खुद रखेंगे और आधा हम लोग बैंक में डालेंगे, और ये है कैश रिजर्व रेशियो जो बैंक अपने पास रखेगा नकद। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया है 1/2। 1/2 क्या है? मुद्रा का मूल्य। मुद्रा का मूल्य है आधा। आधा क्या? आधा क्विंटल गेहूं। मूल्य किसमें है? वस्तुओं में पाया जाता है ना, तो कितना है इसका मूल्य? आधा क्विंटल गेहूं, यानी 1 रुपए का मूल्य है आधा क्विंटल गेहूं, या आप इसको कह सकते हैं कि 2 रुपए का मूल्य है 1 क्विंटल गेहूं। 2 रुपए में 1 क्विंटल गेहूं और 1 रुपए में आधा क्विंटल गेहूं आएगी। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा सीन चेंज कर दूं, अगर मैं ये कहूं कि के सी एच यही है, आर यही है, ओके। अब मैं ये मान रही हूं कि मुझे मनी सप्लाई नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है पी, पी की वैल्यू पता है, और अब मुझको एम निकालना है। आई हैव टू फाइंड एम। कैसे निकालोगे? वही फॉर्मूला, एम इज इक्वल टू दिस, वैल्यूज पुट करिए और आपके पास अपने आप ही आंसर 300 आ जाएगा। यानी मुद्रा की पूर्ति कितनी चाहिए? अगर आप मुद्रा का मूल्य आधा चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए मुद्रा की पूर्ति 300 रुपए की चाहिए होगी। दिस इज पीगोज इक्वेशन एक्सप्लेन्ड। इसी चीज को हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। आई होप यू आर एबल टू रिकग्नाइज दिस डायग्राम, यू हैव डन दिस डायग्राम। देखिए, यहाँ नीचे एक्स एक्सिस पर सॉरी, एक्स एक्सिस पर आपके पास मुद्रा की मात्रा है और वाई एक्सिस पर है वैल्यू ऑफ मनी। डी डी आपका मुद्रा का मांग वक्र है, और जैसा मैंने आपको, ओ सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि सप्लाई ऑफ मनी का मतलब तो बताया, ये बताना रह गया कि कैम्ब्रिज इक्वेशन ने माना था कि मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है। आप देखिए, फिशर इक्वेशन ने कहा कि मुद्रा की मांग स्थिर रहती है और मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने से कीमतों में परिवर्तन होता है, राइट? फिशर इक्वेशन ने मुद्रा की पूर्ति को महत्व दिया, लेकिन कैम्ब्रिज इक्वेशन किसको इंपॉर्टेंस दे रही है? मुद्रा की मांग को। इन्होंने कहा एक निश्चित समय पर मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इट इज कॉन्स्टेंट। तो शुरुआत में अगर मुद्रा की पूर्ति M1 है, M1 Q1 है, स्थिर है, कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रही है, तो उस समय गिवन द डिमांड ऑफ मनी, द वैल्यू ऑफ मनी कम्स आउट टू बी P1। मुद्रा का मूल्य आता है P1, अच्छा है, ऊंचा है। कुछ समय के बाद, कुछ समय, महीनों के बाद, कुछ समय के बाद सरकार मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देती है, M2, M2 Q2, इट्स कॉन्स्टेंट अगेन बट एट अ हायर लेवल, M2 Q2। जब आपकी मुद्रा की पूर्ति M2 Q2 है, उस समय आप नोटिस करेंगे कि आपका मुद्रा का मूल्य कम हो गया है, P2। क्यों? मुद्रा का मूल्य कम इसलिए हो गया, आई मस्ट राइट दिस इज द ओरिजिन, आई फॉरगॉट टू राइट, ओके। सो मुद्रा का मूल्य कम क्यों हो गया? क्योंकि मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने से कीमतें बढ़ी और मुद्रा का मूल्य कम हो गया। एंड थर्ड सिनेरियो इज कि जब मुद्रा की पूर्ति और बढ़ी और मुद्रा का मूल्य और कम हो गया।
अब देखिए इस इक्वेशन में मैंने इक्वेशन यहाँ दोबारा इसलिए लिखी है ये बताने के लिए कि कैश बैलेंस इक्वेशन मान लेती है कि सी कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है। एच सी वो जो हम अपने पास रखना चाहते हैं और वन माइनस सी जो बैंक में रखना चाहते हैं, एच कैश रिजर्व रेशियो जो बैंक अपने पास नकद रखना चाहता है, और के अपनी आय का वो हिस्सा जो हम अपने पास तरल रूप में रखना चाहते हैं। ऑल दीज थ्री आर अज्यूम्ड टू बी कॉन्स्टेंट बाई कैम्ब्रिज इक्वेशन। Apart from this, they also assume that R is constant. Why? Again, because of the full employment assumption. अगर पूर्ण रोजगार है तो देश में जो उत्पादन है वो स्थिर होगा। तो इसका मतलब यहां पर ये सब कुछ तो स्थिर हो गया, अब बचा क्या? P और M. M यानी मुद्रा की पूर्ति बदलेगी तो मुद्रा का मूल्य बदल जाएगा। इन दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है। कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स में इस पी को लेकर। अभी तक वो हमेशा पी को प्राइस से लेते आए हैं। डू रिमेंबर हियर प्राइस इन पीगोज इक्वेशन प्राइस स्टैंड्स फॉर वैल्यू ऑफ मनी एंड देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ मनी। यू हैव ऑलरेडी डन दैट इन फिशर्स इक्वेशन। वेल दिस इज इट। नाउ वी कम टू द क्रिटिसिज्म ऑफ कैश बैलेंस इक्वेशन। जिस तरीके से फिशर इक्वेशन ने कई चीजें कांस्टेंट मान ली, ठीक उसी तरीके से वही गलती कैश बैलेंस इक्वेशन ने की। इन्होंने भी जैसे जैसे इक्वेशन थी उसमें कहीं के था, कहीं टी था, कहीं आर था, कहीं सी, कहीं एच, इन सब चीजों को कांस्टेंट मान लिया। जबकि रियल लाइफ में इन रियलिटी नन ऑफ दीज स्टेज कांस्टेंट। ऑल दीज वेरिएबल्स चेंज ओवर टाइम। Then there are so many factors such as productivity, thrift, liquidity preference. There are so many concepts, factors which affect value of money. But they have been ignored by cash balance equation. देखिए अगर तरलता अधिमान बदल जाता है, अगर तरलता अधिमान मतलब मैं ज्यादा तरल रखना चाहती हूं तो K की वैल्यू बदल जाएगी ना। इन्होंने इसको इग्नोर किया। थ्रिफ्ट कंजूसी, अगर मैं कंजूस हूं ज्यादा नहीं खर्च करती तो फिर मेरी वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी और मैं रुपया अपने पास तरल रूप में रखना चाहूंगी, राइट? दिस विल अगेन अफेक्ट के। बट नो, प्रोडक्टिविटी, इफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस देन ऑल्सो आउटपुट, टोटल आउटपुट विल इंक्रीज, टोटल प्रोडक्शन विल इंक्रीज एंड दिस विल अफेक्ट मनी सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी। But all these factors were ignored by Cambridge equation. Similarly, it ignores many other real factors such as saving, investment. Look, we have done this and we have done this, right? Like saving and investment. अब देखिए देश में निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो फिर मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति, सब कुछ प्रभावित होंगे। बट अगेन ये सब चीजें कैम्ब्रिज इक्वेशन ने इग्नोर के केस खुद इसका हिस्सा थे, उसके बावजूद इस मॉडल में, इस थ्योरी में सिर्फ क्रय विक्रय और सावधानी उद्देश्य का जिक्र हुआ, सट्टा उद्देश्य का जिक्र नहीं हुआ। तो ये भी इसकी एक आलोचना है कि मुद्रा की मांग की जब बात करते हैं तो सट्टा उद्देश्य तो सबसे महत्वपूर्ण है। आज की डेट में नाउडेज स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। व्हाई? बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लुएंसेस द इन्वेस्टमेंट लेवल इन द इकोनॉमी एंड दिस अफेक्ट्स प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, मनी सप्लाई, मनी डिमांड। तो इस चीज को इग्नोर करके तो बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर अब ये जो दो आलोचनाएं रह रही हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम पिछली फिशर इक्वेशन में भी कर चुके हैं। मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति, इसकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। इट इज थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट मनी सप्लाई अफेक्ट्स प्राइस लेवल। कैसे? देखिए
अगर देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, दिस विल लीड टू इंक्रीज इन मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल. लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, वो इसको खर्च करेंगे. कहाँ? हाँ बिल्कुल, वस्तुओं सेवाओं पर खर्च करेंगे और उनकी कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन वो इससे बॉन्ड्स भी खरीदेंगे और बॉन्ड्स की कीमतें भी बढ़ेंगी. जब बॉन्ड्स की कीमत बढ़ेगी तो ब्याज की दर कम हो जाएगी. ब्याज की दर कम होने से निवेश बढ़ेगा, निवेश के बढ़ने से देश में आय, रोजगार, उत्पादन बढ़ेगा. और जब आय बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, मतलब साधनों की मांग बढ़ेगी, सभी साधनों की, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी, तो ये सभी साधन महंगे हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो भी तो कीमतें बढ़ेंगी. लेकिन इस रिलेशनशिप को कैश बैलेंस इक्वेशन भी नहीं समझ पाई या समझा नहीं पाई, और फिशर इक्वेशन भी समझा नहीं पाए. सो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फेल्ड हियर. एंड लास्टली, लाइक फिशर इक्वेशन, कैम्ब्रिज इक्वेशन वाज आल्सो अनेबल टू इंटेग्रेट थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड थ्योरी ऑफ मनी. मैंने आपसे बताया था थ्योरी ऑफ वैल्यू का मतलब है मूल्य का सिद्धांत, सापेक्ष कीमतों का सिद्धांत, और थ्योरी ऑफ मनी निरपेक्ष कीमतों का सिद्धांत. सापेक्ष कीमतें निर्भर करती हैं वस्तुओं की मांग और पूर्ति पर, और निरपेक्ष कीमतें निर्भर करती हैं मुद्रा की मांग और पूर्ति पर. देखिए, जब भी निरपेक्ष कीमतें यानी जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा, व्हेन एवर जनरल प्राइस लेवल इंक्रीजेस, दिस विल रिड्यूस आर नेशनल आर रियल इनकम. हमारी रियल इनकम कम हो जाएगी क्योंकि अब हम अपनी उसी तनख्वाह से पहले से कम सामान खरीद पाएंगे. एज अ रिजल्ट वी विल रिड्यूस आर डिमांड. लेकिन क्या हम हर वस्तु की मांग बराबर कम करेंगे? नहीं. देर आर सम गुड्स विच आर असेंशियल फॉर अस, वी विल नॉट रिड्यूस देयर डिमांड. बट येस, वी कैन रिड्यूस आर डिमांड फॉर लग्जरीज एंड कम्फर्ट्स. देयरफॉर रिलेटिव प्राइसेस विल बी अफेक्टेड. तो कैश बैलेंस इक्वेशन फिशर की तरह ही इसको देख नहीं पाए. Thus, here I rest my case. This is the end of cash balance equation. Thank you.